नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश के लिहाज से फिलहाल एक बड़ी जानकारी, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को फॉर्म भरवाने के लिए कार्यक्रम की लॉन्चिंग कर दी है। इस मौके पर मुख्यमंत्री खुद पहुंचे, कहा कि हमारे किसान अन्नदाता नहीं प्राणदाता है, जो एमपी का भंडार अन्न से भर रहे हैं। पूरी सरकार उनके साथ है, किसानों की आय बढ़ाने और उनकी सुविधा में इजाफा देने के लिए लगातार हम प्रयासरत हैं। इसी कड़ी में किसान सम्मान योजना की राशि भी बढ़ाई है। आपके हित में काम करने का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, यह आश्वासन भी उनकी तरफ से। छह सौ 19 लाख मीट्रिक टन ये पिछले साल का रिकॉर्ड, हमने अन्न के भंडार भर दिए। हमारा बासमती चावल हो, हमारा सरबती गेहूं हो, हमारा एक कली का लहसुन हो, अलग अलग फसलें दुनिया में आज धूम मचा रही है मेरे किसान भाइयों। लेकिन सरकार ने, हमने आपका साथ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप याद कीजिए वो दिन जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी और किसान को 15-16% पर ब्याज मिलता था। कई बार जो सुविधा मिलती है उसके बारे में अपन भूल जाते हैं। मैंने घटा के पहले 7% किया, फिर 5% किया, फिर 3% किया, फिर 1% किया और बाद में तय कर दिया 0% ब्याज पे किसान को कर्जा मिलेगा। और अब रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। एक बार फिर से आंदोलन का बिगुल फूकने की तैयारी की जाने लगी है। चुनावी साल में परमानेंट यानी कि नियमित करने की मांग को लेकर अब संविदा कर्मचारी एक बार फिर से आवाज बुलंद करने वाले हैं। आने वाली 23 और 24 सितंबर को संविदा कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। आपको बताएं कि लंबे वक्त से मांग चली आ रही है नियमितीकरण की मांग को लेकर। घंटों प्रदर्शन पर डटे रहे कर्मचारी इससे पहले भी आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन अब आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने इंतजार का रास्ता चुना था। अब तक मांगों पर कोई फैसला नहीं और उसी के चलते एक बार फिर से आंदोलन की राह पकड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार संविदा कर्मचारी। रायपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। संविदा कर्मचारियों का सब्र लगातार अब टूटता हुआ। आश्वासन कई बार मिले, प्रदर्शन कई बार हुए, लेकिन इसके बावजूद इनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाना, ये एक मुख्य वजह है जिसके चलते एक बार फिर से आंदोलन कर रहे हैं संविदा कर्मचारी। 23 से 24 सितंबर तक इसी तरह से प्रदर्शन जारी रहने वाला है। आगे बढ़ते रायगढ़ की चर्चा करेंगे, जहां बैंक डकैती की जानकारी सामने आई थी, इसका पैसा जब्त कर लिया गया है। बलरामपुर के रामानुजगंज से सभी पैसे बरामद किए जा चुके हैं। ना सिर्फ वो पैसे जो कि डकैती के दौरान लूटे गए, बल्कि कुछ अन्य रकम भी मिली है। बैंक डकैती के 4 करोड़ रुपए तो बरामद हुए ही हैं। अन्य जगह से भी जहां लूटपाट की घटनाओं को, छोटी मोटी घटनाओं को अपराधियों ने अंजाम दिया हो, उस पैसे को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। सोने चांदी के जेवरात मिले हैं। ट्रक और कार में पैसे ले जाने की साजिश थी। बैंक डकैती के चारों आरोपी अब पुलिस गिरफ्त में हैं। पूछताछ लगातार चल रही है, किस गिरोह से तार जुड़े हुए हैं ये भी पता लगाने की कोशिश पुलिस की तरफ से लगातार जारी है। रायगढ़ बैंक डकैती की हम बात करें, जिसका पैसा अब पुलिस ने बरामद कर लिया है। 4 करोड़ रुपए बताए जा रहे थे, लेकिन कुछ और रकम पुलिस को हाथ लगी है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बैंक डकैती के गुनहगार, ये बदमाश जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर, और दूसरी तरफ तस्वीरें उस सामान की, उस रकम की जो कि इनके हवाले से जब्त की गई है। पूरे सुनियोजित तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया जाना, ये स्पष्ट हुआ था। और अब निष्कर्ष ये कि चारों गिरफ्तार, रकम जब्त। और अगली बड़ी खबर दंतेवाड़ा से है। नाहाड़ी के जंगलों में माओवादियों से एक बार फिर से मुठभेड़ हुई है। 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर अभी तक लगी है। छोटे हिडमा की मौजूदगी की भी सूचना है। डीआरजी के जवानों के साथ मुठभेड़ हुई थी। जवानों के मुख्यालय लौटने तक अलर्ट पर ही रहने को कहा गया है जवानों को। जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर की दूरी पर मुठभेड़ होना अभी तक स्पष्ट हो पाया है। अभी इंतजार इस बात का भी कि आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि हो कि किस किस नक्सली को मार गिराने में सफलता हासिल हुई है। क्या कोई इनामी नक्सली इसमें शामिल है तो ये एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के लिए हो सकती है। क्या इस इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन चलाए रखने की जरूरत, क्योंकि नक्सली की मौजूदगी को लेकर लगातार सूचना डीआरजी के जवानों को मिलती आ रही है।
जिला मुख्यालय से महज 70 किलोमीटर की दूरी पर मुठभेड़ हुई, अभी भी इंतजार अधिकारियों के बयान का। इसके बाद ही पुष्टि हो पाएगी कि किस नक्सली को मार गिराने में सफलता हासिल हुई है। बड़ी बात यह कि छोटे हिड़मा के लोकेशन के बारे में भी पता चल गया है। आगे अन्य अभियान, एंटी नक्सल ऑपरेशन जिसे कहा जाता है, हो सकता है कि जारी किए जाए। और आगे खबर बिलासपुर से। पीएससी भर्ती में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे विपक्ष की तरफ से एक बार फिर से हलचल की स्थिति। ननकीराम कंवर की बात कर लेते हैं, जिन्होंने याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने अब जवाब तलब किया है सरकार से। अफसरों के बेटे बेटी रिश्तेदारों के चयन को लेकर आरोप लगातार लगाया जा रहा था, चयन को लेकर याचिका भी दाखिल की गई। और इस याचिका पर सबसे पहले छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से जवाब तलब किया गया है। सरकार को जवाब देना है कि पीएससी को लेकर जितने भी आरोप चलते आ रहे हैं उस पर उनका क्या रुख है। मामले की जांच की मांग भी याचिका में की गई है। अब देखना होगा कब तक हाईकोर्ट की तरफ से कुछ कहा जाता है और कब तक सरकार की तरफ से जवाब पेश होता है। बिलासपुर से जानकारी। पीएससी भर्ती में भ्रष्टाचार का यह पूरा मामला, ननकीराम कंवर की याचिका, इस पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा। और अब खबर रायपुर से है। बीजेपी के महामंत्री ओपी चौधरी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर उद्योग चल रहा है, पैसे लेकर ट्रांसफर किए जा रहे हैं, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, सरकार जाने के समय अब कांग्रेस के लोग लूट खसोट में लगे हुए हैं। रायगढ़ में 7 करोड़ की डकैती हुई, ऐसी घटनाएं बढ़ भी रही हैं। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया है। ऑर्डर की स्थिति, कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, चरमरा चुकी है। हमारे छत्तीसगढ़ में सभी विभागों में कांग्रेस की सरकार ट्रांसफर उद्योग चला रही है, पैसे देकर पोस्टिंग किए जा रहे हैं, पुलिस विभाग में भी यही चल रहा है। इसी कारण पूरे प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, चरमरा चुकी है। आज चला चली की बेला में कांग्रेस के लोग पूरी तरह से लूटने खसोटने में लगे हुए हैं। और आज देखिए कि रायगढ़ में करीब 7 करोड़ रुपये की डकैती हो गई। इस तरह की घटनाएँ प्रदेश में हो रही हैं और हमारे छत्तीसगढ़ को ये अपराध गढ़ बनाकर रख दिए हैं। छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन, छत्तीसगढ़ के भाई बहन माफ नहीं करेंगे। अंबिकापुर की आगे चर्चा करेंगे, जहां टीएस सिंहदेव की तरफ से अपमान के आरोप लगाए हैं। आपको बताया कि डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, जो कि ओलंपिक के शुभारंभ कार्यक्रम में पहुंचने वाले थे मुख्य अतिथि के तौर पर, लेकिन वहां पर नहीं पहुंचते। उसके बाद जब उनसे इस पर जवाब लिया जाता है तो वो कहते हैं कि प्रोटोकॉल के तहत कई सारे नियम, जिसमें भेदभाव हम देख रहे हैं, प्रशासनिक स्तर पर कई सारी लापरवाही अक्सर हम देख रहे हैं, और बार बार बोलने के बावजूद उनके साथियों का अपमान हो रहा है, सम्मान से कोई समझौता नहीं करेंगे, ये स्पष्ट कर दिया टीएस सिंह। बार बार मैंने अपने तरफ से संदेश भी जिला प्रशासन को भेजा है कि प्रोटोकॉल का कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, किसका क्या प्रोटोकॉल है, उसको ध्यान में रख के नाम में क्रम छपना चाहिए, लेकिन वो लगातार चूक उसमें होती चली जा रही है। ऐसे छोटी बात है लेकिन हम लोग रोज़ उसको सुनते हैं, रोज़ हम लोग को कार्यकर्ता कहते हैं हमारा अपमान हो रहा है, आप हमारे अगुआ हैं, आप अब नाम के लिए मंत्री हैं, विधायक हैं, उप मुख्यमंत्री हो गए, लेकिन हम लोग के मान सम्मान का क्या हो रहा है। तो अनेकों बार बोलने के बाद भी अगर प्रशासन जिस तरफ ध्यान नहीं दे सकता है तो फिर ये मजबूरी हो जाती है कि ऐसे कार्यक्रमों से अपने को दूर रखना पड़ जाता है। मान सम्मान से कोई समझौता किसी वक्त नहीं हो सकता। और एक बार बोला, दो बार बोला, 10 बार बोला, खबर भेजा, जिम्मेदारी से बात की, फिर भी अगर उसका कोई असर नहीं पड़ता तो फिर हम लोग इतने गैर सम्मान वाले लोग नहीं हैं। हम लोगों के साथ जो त्रुटि प्रशासन से हो रही है, कौन सीनियर है, किसका क्या प्रोटोकॉल है उनको उसका। तो डिप्टी सीएम की बात आपने सुनी और उनकी इस बात का जवाब सरगुजा कलेक्टर में दिया है, और कलेक्टर ने क्या कुछ कहा ये भी आपको बताएं। अपमान के आरोपों पर सीधे कह दिया कि उप मुख्यमंत्री कहीं बिजी रहे होंगे इसलिए कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए। टीएस सिंहदेव का बयान आपने सुना और अब सरगुजा कलेक्टर का इस पर जवाब। लोगों को इनविटेशन प्रॉपरली प्रोटोकॉल की तरफ से दिया गया था और
किसी अन्य कारणों में बिजी रहे होंगे तभी नहीं आ पाए, नहीं तो सभी कार्यक्रमों में सरगुजा में जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें सभी प्रतिनिधि आते हैं, जो कुछ व्यस्तताएं रही होंगी तभी नहीं आ पाए। और आगे बात करेंगे भिंड जिले की। प्रतिबंध के बावजूद रेत का वैध खनन और परिवहन रोकने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार शिकायतें मिल रही हैं। इसके बाद भिंड कलेक्टर ने देर रात अंधेरे में रेत खदान पहुंचकर प्रशासनिक टीम के साथ कार्रवाई की। मौके पर 3 पोकलेन और 1 ट्रैक्टर जब्त किया है। इस तरह की कार्रवाई अगर जिले में चलती रहती है तो कहीं ना कहीं राहत भरी बात है, कुछ सकारात्मक परिणाम निकलकर सामने आ सकते हैं, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि प्रशासनिक टीम जब कार्रवाई के लिए पहुंचती है उन पर भी हमला होता है। हालांकि इस बार ऐसा नहीं हुआ। बड़ी बात यह कि सफलता अब कलेक्टर को हाथ लगी है। 3 पोकलेन और कुछ और वाहनों को जब्त किया गया है। ऐसी खबर मिली थी कि रेत उत्खनन पे प्रतिबंध होने के बावजूद भी यहाँ गिरवासा में किसी के द्वारा अवैध उत्खनन किया जा रहा है। सूचना मिलने पर रात करीब 9 बजे यहाँ पहुँचने पर पाया गया कि 2 मशीनें यहाँ काम करती पाई गई, एक और मशीन यहाँ खड़ी पाई गई, पोकलेन मशीन, जिसके द्वारा रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा था। इस पर इन 3 मशीनों को जब्त किया जा रहा है और ये जिनकी भी पाई जाती हैं उन पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और बात करेंगे कोरबा जिले की, जहां बीते दिनों से बारिश का दौर हम लगातार देख रहे हैं। इस बारिश का असर ये कि मिनी माता बांगो डैम पूरी तरह से लबालब होने की कगार पर है। डैम भरने से केवल 3 मीटर की दूरी शेष है। बांध की क्षमता 356.7 मीटर की रह गई है। आपको बताएं कि इसी के चलते आप ये भी देखेंगे कि आने वाले समय में निचले बस्तियों में जलभराव की भी समस्या हो सकती है अगर बांध को खोला जाता है। ये बांध की तस्वीरें आप भी देखिए, बारिश लगातार यहाँ पर हो रही है, आने वाले समय में भी बारिश की संभावना, और इसी के चलते माना जा रहा है कि अगर महज 3 मीटर की दूरी इस बारिश ने इस बार तय कर ली इस बांध में, तो इस बांध की क्षमता पूरी तरह से भर जाएगी और उसके बाद कुछ गेट को खोला जा सकता है। लगातार बारिश का सिलसिला कोरबा में भी हम देख रहे हैं। और बारिश की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ के कई जिले ऐसे हैं जहां पर मौसम का मिजाज बदला भी है, झमाझम बारिश हुई है। 2 और तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं कांकेर और कोंडा गांव की। बारिश होने के चलते लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। मौसम विभाग ने कांकेर में आने वाले दिनों में भारी बारिश की आशंका भी जाहिर की है। कोंडा गांव की अगर बात करते हैं तो 2 दिनों के सूखे के बाद बारिश का दौर शुरू हुआ है। गरज चमक के साथ यहां पर भी झमाझम बदरा बरस रहे हैं, जो कि अब एक अच्छी खबर लेकर आता हुआ। राहत भरी बात यह है कि सूखे के संकट से यहां लोगों को जूझना नहीं पड़ेगा। और इस बीच इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा कदम, महिला बिल के समय एक बड़ा कदम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। SC/ST आरक्षण बढ़ाने की संवैधानिकता का परीक्षण करेगा सुप्रीम कोर्ट। 104वें संशोधन का परीक्षण सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया जाएगा। 5 जजों का संविधान पीठ 21 अक्टूबर से सुनवाई शुरू होगी। ये एक बड़ी जानकारी ठीक उसी समय जब दूसरी तरफ संसद में महिला आरक्षण बिल को लेकर चर्चा चलती है। कोटा विद इन कोटा की बातें होती हैं, SC/ST OBC की बातें होती हैं, और इस बीच ये जानकारी कि SC/ST आरक्षण बढ़ाने की संवैधानिकता का परीक्षण होना जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही ये बात सामने आई है कि कोर्ट की तरफ से ही एक खास बेंच इसका परीक्षण करेगी कि क्या संवैधानिक तौर पर यह सही होगा। 104वें संशोधन का परीक्षण सुप्रीम कोर्ट को करना है। 5 जजों की संविधान पीठ 21 अक्टूबर से सुनवाई शुरू करेगी। और दिल्ली से अगली बड़ी खबर, अनिल कपूर की याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। बिना इजाजत के नाम आवास का इस्तेमाल ना हो, अनिल कपूर ने कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए याचिका दायर हुई थी। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से आदेश जारी हो चुका है कि बिना किसी सेलिब्रिटी की या बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के आप उसकी इमेज, आप उसकी आवाज यूज नहीं कर सकते हैं। पर्सनालिटी राइट्स के तहत ये सुरक्षा का प्रावधान हर एक व्यक्ति को दिया जाता है। और अब मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की चर्चा। ओंकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा बनकर तैयार है।
प्रतिमा 108 फीट ऊंची है। सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रतिमा का अनावरण कल करेंगे। इसके लिए सीएम कल सुबह 11 बजे ओंकारेश्वर पहुंचने वाले हैं। वैदिक यज्ञ अनुष्ठान के साथ आहुति होगी। इस दौरान जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद समेत देश भर के 1300 संत और महंत मौजूद रहेंगे। अनावरण के बाद शैव परंपरा के नृत्यों की प्रस्तुति भी यहां पर की जानी है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज 18 के साथ।